इसको मिले की जरूरत है। बहुत मुजम्मत करती हूँ जी, मैं तो हमेशा औरतों के हकूक और उसके लिए करती रही हूँ, मैं इसको बहुत मुजम्मत करती हूँ, जो उसकी सजा है इसको मिलेगी जरूर। सवाल है, से सर, ये जो एप्लीकेशन हम लोगों ने हमारे खिलाफ मूव की गई है, ठीक है, ये लेट बिल्कुल नहीं गई, ठीक हो गया। ये कॉल की गई थी अयाज अमीर साहब के नाम से, और अयाज अमीर साहब ने इन्फॉर्म किया पुलिस को, हमारे जो इसके अंदर खातून हैं समीना शाह की सिर्फ एक ही गलती है कि शी इज़ द एक्चुअल ओनर ऑफ द प्रेमिसेस, और वो अयाज अमीर की वालदा हैं, और वो प्रेमिसेस के अंदर मौजूद थी जिस वक्त इंसिडेंट हुआ है। बस इतनी सी मुख्य बात है। दूसरा सवाल, डायरेक्ट अदालत पुलिस को अयाज अमीर साहब ने पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था इस वजह से। जी जी, मुझे जब वो कॉल करते रहे, लेकिन मेरा फोन कमरे में था, फिर उन्होंने शाहनवाज के फोन पे मुझे कहा, फोन करके कहा कि तुम इसको पकड़ के रखो, मैंने पुलिस को इतला कर दी है। आप सोचें कि सब मेरी क्या हालत होगी, एक तो ट्रामा, सख्त ट्रामा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने इसको बिठा दिया कमरे में, दूसरे कमरे में बिठा दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, पुलिस का इंतज़ार करने लगी। जब पुलिस आई तो मैंने अपने हाथ से पकड़ के पुलिस के हवाले किया अपने बेटे को। इससे बढ़ के माँ के लिए और क्या इम्तहान हो सकता, अगर मैं चाहती तो उसको भगा देती या कुछ करती। इसके बाद में यहाँ तक कहा कि इसको रस्सियों से बांध लो, मैंने कहा मैं तो घर में अकेली हूँ, इस वक्त कोई भी नहीं है, वो गार्ड भी चला गया, माली जो है वो देर से आता है, 9:30-10 बजे आता है, और मेरी मेड जो है वो ऑलरेडी उसको डेंगू हुआ था, वो छुट्टी पे थी, तो ये सब मामला। जब आपने उसको बिठाया तो उसने रेजिस्ट नहीं किया? जी, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, वो उसको दरवाजे को बंद कर दिया। वो कितना दूर है आपसे, किचन में आपकी? मैं किचन जो मैं आकर, आप उन्होंने पुलिस ने नक्शा बनाया है, मेरा जो घर है, मेरा कमरा बिल्कुल आखिर में है, इसका बिल्कुल शुरू में है, और इसके तीन डबल डोर है, इसका आवाज आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपका ख्याल है आवाज आई होती तो मैं कुछ करती ना, मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि रात को उसने मुझे मैसेज किया कि आप कल इसके वालिदैन से बात करके टाइम तय कर लें। माँ बाप उसके जो थे वो कनाडा में थे बच्ची के, और मेरे उनके वालिद से बहुत अच्छी तरीके से बातचीत हुई। कितनी दफा बात हुई आपकी? मेरी उनके दो तीन दफा तो कम अज कम हुई होगी, और हमेशा अच्छी तरह बात हुई, और उन्होंने मुझे कहा बहन आपसे बात करके हमें बहुत तसल्ली हो गई है। तो रात 12:37 पर जब व्हाट्सएप आपको आया तो आपको भी महसूस किया कि ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी? कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि बच्चे किस वक्त इनका ये लड़ाई झगड़ा हुआ या कब ये हुआ, मैं तो आराम से सो गई थी। जाकर सारा ने कभी वो बताया नहीं से कुछ भी नहीं बताया? अगर काश के मुझे कुछ अंदाजा होता, यही तो मुझे अफसोस है कि मुझे तो यकीन अभी तक नहीं आ रहा कि ये मेरे बेटे ने क्या किया। आखिरी सवाल बड़ा स्पेसिफिक है, आप अपने बेटे की मुजम्मत करती हैं? बहुत मुजम्मत करती हूँ जी, मैं तो हमेशा औरतों के हकूक और उसके लिए करती रही हूँ, मैं इसको बहुत मुजम्मत करती हूँ, जो उसकी सजा है इसको मिलेगी जरूर।